सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, आज भी गिरावट बराबर गिरावट। बैंकिंग स्टॉक से अभी फिलहाल एकदम दूर रहना है, बिकॉज बैंक्स को अभी और ज्यादा गिरना बाकी है, अभी उतना ज्यादा नहीं गिरा है जितना इसको गिर जाना चाहिए था अभी। कहीं ना कहीं जो एक रुकावट है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम इसको बोल रहे हैं कि सुबह ही मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंक्स के अंदर में, अगर एचडीएफसी और कोटक को छोड़ दे जो कल हुआ उसके लिए, कुछ दिनों से जो हो रहा था एक्सिस बैंक और दिस कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक में, तो बैंक की गिरावट जो कहीं ना कहीं बांध का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं तो उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट अभी गिरना बाकी है और अच्छा गिरावट है इसके अंदर में। 35 रुपए 50 पैसा का लेवल जो दिख रहा है, लिक्विडिटी कहीं नहीं है, बिकॉज लोग बोल रहे हैं यार ओवरसोल्ड हो गया, इतना लेवल का नीचे मिल गया है। मेरे पास में इसका लेवल अभी जो है वो 26 रुपए का आ रहा है इमिडिएटली, तो आपको 26 में मिलने जा रहा है, और क्योंकि यहां से गिरावट ही है अगर, तो बाय क्यों करना है, आने दीजिए 26 का लेवल आ जाने दीजिए, वहां से आप बाय करो, 50% बाय करो। गिरावट और आ सकती है और फिलहाल दूर रहने की राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।